मेरे प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर फिर एक बार सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा पूरी तरीके से गर्मा चुका है और आमने सामने आ चुके हैं शिवसेना और बीजेपी। आप सभी को भी पता चला होगा कि बीजेपी के 12 सांसदों को महाराष्ट्र की संसद से निलंबित कर दिया गया था कल के दिन पूरे एक साल के लिए। और दूसरी ही तरफ अनिल परब, जिसे उद्धव ठाकरे का राइट हैंड माना जाता है, उनका भी बयान आया इन निलंबित 12 बीजेपी सांसदों को लेकर कि इनको तो लंबे समय तक बर्खास्त रखा जाए। अब जैसे ही अनिल परब का ऐसा बयान आया, उसके ही बाद बीजेपी के कई सारे सांसद सुशांत केस को लेकर उग्र हो गए और डायरेक्टली अनिल परब के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि ये वही अनिल परब है जिसने 14 जून के दिन ट्वीट कर कहा था कि कल यानी 13 जून के दिन सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पार्टी हुई थी, इस पार्टी की परमिशन सुशांत को किसने और क्यों दी और कौन कौन से लोग उस पार्टी का हिस्सा बने। और इस ट्वीट के कुछ ही मिनटों के बाद अनिल परब ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। और अब इसी मुद्दे को भाजपा के कई सारे नेताओं द्वारा उठाया जा रहा है और अनिल परब के ऊपर कड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, मैं तुरंत ही आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी विचार होंगे, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।